भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। मुझे कहा गया है कि यहां पर हमारे दलित भाइयों और बहनों की आबादी ज्यादा है। सही कहा है? सही है। आपने अभी मुझे अंबेडकर जी की मूर्ति दी, देखा होगा आपने, है ना? देखा, अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस बात में लगा दी? हाँ, दलितों को मदद करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी। सही। आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा कुछ दिन पहले, वो कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। तो जिनको हम दलित कहते हैं, जिनके खिलाफ हर रोज अत्याचार होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश में दलित है ही नहीं। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और फिर जैसे ही मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाया, जैसे ही मैंने यह कहा कि भैया पता लगाना है इस देश में आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, नरेंद्र मोदी जी कहते मेरी तो जात नहीं है, हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। तो मैं आपको दो तीन आंकड़े देना चाहता हूं, उससे आप समझ जाएंगे हिंदुस्तान में जात है या नहीं। आपने देखा होगा मैं कन्याकुमारी से 4000 किलोमीटर पैदल कश्मीर तक चला, मीडिया में देखा होगा आपने, देखा रास्ते हजारों लाखों लोगों से मैं मिला, युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, और जहां भी मैं गया सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर मैं किसी युवा से पूछता भैया क्या करते हो, क्या पढ़े, मुझे कहेंगे इंजीनियरिंग पढ़ा, मेडिकल पढ़ा, लॉयर बनने का मैंने पढ़ाई की। फिर मैं पूछूं भाई करते क्या हो, बेरोजगार। सबसे बढ़िया उदाहरण, रेलवे स्टेशन में मुझे एक कुली मिलता है, मुझे कहता है राहुल जी मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने हजारों रुपए अपने दिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। पूरे देश में ये अब बेरोजगार युवा मुझे मिले, मैं उनसे पूछूं भैया तुम्हारी जात क्या है, कोई कहता है मैं ओबीसी हूं, कोई कहता हूं मैं दलित हूं, कोई कहता हूं मैं आदिवासी हूं। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा, आप में से कोई बता सकता है? जाति जनगणना से पता लगेगा इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, ओबीसी कितने। अब आप कहोगे उससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं भाइयों और बहनों। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कौन चलाता है? हाँ, ये बात पकड़ गया, ये बात पकड़ गया, अदानी अंबानी चलाते हैं। और यहां का जो बजट होता है, मध्य प्रदेश का बजट होता है हर साल
मध्य प्रदेश की सरकार उसको खर्च करती है, करती है ना करती। हिंदुस्तान का बजट है, हिंदुस्तान के बजट को हिंदुस्तान की सरकार हर साल खर्च करती है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का जो बजट है ये किस चीज में खर्च होता है? ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं, उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, और वो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आप ये मत सोचिए कि एमपी एमएलए सरकार चलाते हैं, नहीं, गलत है। सरकार को नरेंद्र मोदी, दिल्ली की सरकार को नरेंद्र मोदी और 90 अफसर चलाते हैं, और मध्य प्रदेश को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। सही, हर बच्चा आईएएस में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है अंत में सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। तो छोटा सा सवाल आपसे, सवाल, दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, सही, बजट में जो भी पैसा खर्च होता है, जैसे यहां पे मैं जानता हूं आपकी स्वास्थ्य की सेवा ही नहीं है, ट्रेन से आपके लोग नागपुर जाते हैं इलाज के लिए, तो जो भी बजट में खर्च होता है ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग, सेना के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग, सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग, किसानों को क्या दिया जाएगा, 90 लोग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 90 लोगों में से जो दिल्ली की सरकार को चलाते हैं उसमें से दलित कितने, दलित कितने? भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, मतलब अगर बजट का 100 रुपए खर्च होता है, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं, 1, मतलब 100 रुपए में से दलितों की भागीदारी 1 रुपया। और अगर 90 अफसर हैं तो 90 में से 3 अफसर दलित, चलिए दलितों को छोड़ते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को छोड़िए, मध्य प्रदेश की सरकार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का बजट जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का है, 53 अफसर इस बजट को बांटते हैं। इस कस्बे में कितना पैसा आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा आएगा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कितना पैसा आएगा, यह 53 अफसर शिवराज चौहान जी के साथ निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए, मध्य प्रदेश के 53 अफसरों में से पिछड़े वर्ग का सिर्फ 1 अफसर है। मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी की सरकार है, 53 अफसरों में से 1 अफसर ओबीसी वर्ग का है। और आप जानते हो ये अफसर बजट में से कितने प्रतिशत का निर्णय लेता है, कोई जानता है? 0.1, मतलब ओबीसी की सरकार है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है, ओबीसी का चीफ मिनिस्टर, और 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ओबीसी अफसर करते हैं। ठीक से सुनो, नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबीसी की सरकार है और भागीदारी आपकी 100 रुपए में से 33 पैसे की है, 100 रुपए में से 33 पैसे की, और दिल्ली की सरकार में
₹100 में से दलितों का ₹1। और फिर ये लोग कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, दलित तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कैसे करेंगे? आपको कभी चोट लगी है? लगी किसी के यहां पे टांग टूटी कभी आपकी? जब आपकी टांग टूटी थी, पहला काम क्या किया आपने? अस्पताल गए, अस्पताल में आपने एक्सरे मांगा, आपने कहा कि भैया मुझे लग रहा है टांग टूटी है, मुझे एक्सरे चाहिए। एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कहा देखो भैया एक्सरे हुआ है, आपकी टांग टूटी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, करा दो एक्सरे और पता लगाओ हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। मुझे दिख रहा है कि ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को दर्द हो रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और ओबीसी में कौन सी जात कितनी है। मेरा आपसे सवाल है, आपकी भागीदारी, दलितों की भागीदारी 1% से कम है क्या? आपकी आबादी 1% से कम है? तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। जितने पिछड़े लोग हैं उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। अब भैया मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 53 अफसर में से एक अफसर मिला है, ₹100 में से 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या ओबीसी की आबादी 0.3% है मध्य प्रदेश की? क्या नहीं? मैं आपको आज बता रहा हूं कि ओबीसी की आबादी कम से कम 50% 55% है। अगर आपकी आबादी 55% है तो सरकार चलाने में आपका सिर्फ एक अफसर क्यों? और वो अफसर, उसको कोई काम नहीं दिया, वो बैठा रहता है। ₹100 में से सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेता है। जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, नरेंद्र मोदी चुप हो गए। कहते हैं, पहले कहते थे मैं ओबीसी जात का हूं, हर मीटिंग में कहते थे ओबीसी जात का। मैंने कहा भैया आप ओबीसी जात के हो, सब कुछ ठीक है, आप हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नए कपड़े पहनते हो, ओबीसी जात का आपने फायदा तो उठा लिया, चुनाव जितवा लिए, मगर जब ओबीसी जात की भागीदारी की बात आती है तो आप कहते हो हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, ना कोई दलित, ना कोई आदिवासी, ना कोई ओबीसी। वोट लेने जाते हो कहते भैया मैं ओबीसी हूं। आप वोट लेने जाते हो कहते हो मैं ओबीसी। जाति जनगणना की बात होती हो कहते हो भैया ओबीसी जाति नहीं है, दलित जाति नहीं है। तो मैंने निर्णय ले लिया है और मैं जो कहता हूं मैं गारंटी करके कर देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि 15 लाख का वायदा कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान का एक्सरे, जाति जनगणना होने वाला है, हम करेंगे। नरेंद्र मोदी करें ना करें मैं नहीं जानता, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, कर दें तो अच्छा है, नहीं करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और फिर जो आपका हक बनता है, जो ओबीसी युवाओं का हक बनता है, दलित युवाओं का हक बनता है, आदिवासियों का हक बनता है, वो हक हम आपको दिलवा देंगे। मतलब मजाक बना रखा है।